तो जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉर एवर में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनका मैं आपको सलूशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जो IPH में भर्ती प्रक्रिया भी होने हो रही है जल शक्ति विभाग में, दोस्तों उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। दोस्तों उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर है, उसके लिए तो हमें अपनी ITI और 10th का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की, तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए दोस्तों हमें अपना 8वीं का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इसकी जो पद हैं, इसकी जो मेरिट बनेगी वो हमारी 8वीं के नंबर के बेस पे बनेगी। तो साथ में इसमें क्या लिखा है कि जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपना, बोनाफाइड्स हो गया, क्या जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जैसे लैंड लेस नॉन एम्प्लॉइज हो गया, BPL का है तो BPL का लगाना है, और जो लेटेस्ट है उसमें लगाना है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ रहे कि भाई फर्स्ट डिवीजन की वैकेंसी नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, आप अपडेट कीजिए। तो उन सबके सबसे मैं यही निवेदन करूँगा कि दोस्तों जैसे भी इन डिवीजनों की वैकेंसी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या किसी एड्रेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं ऑल टाइम अवेलेबल होता हूँ कि ताकि मैं आपके हर क्वेश्चन का सलूशन दे सकूँ। तो अभी हमारे पास अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। अभी आपको पता है कि बिजली बोर्ड में भी 1300 समथिंग पद भरने वाले हैं, फिर से अभी ये कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा। तो और बहुत सारे अभी हमारे IPH के डिवीजन है, क्योंकि अभी भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली 8-9 डिवीजन की ही वैकेंसीज आउट हुई हैं। अभी बहुत सारे डिवीजन है, उनकी वैकेंसीज भी आएगी। तो आई होप, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पे बने रहिए और अपना CEO कैसे बनाए रखें, ताकि मैं आपके साथ जो भी अपडेट्स आएगी उसको शेयर कर सकूं और आपके साथ जो आपके डाउट्स हैं जॉब के रिगार्डिंग या कुछ और भी हैं उनको भी क्लियर कर सकूं। तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आगे आगे शेयर करेंगे और अपना CEO कैसे ही बनाए रखेंगे। तो यही छोटी सी बात मैं आपके पास करने वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वायरी हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं। तो भाई जितनी वीडियो बनती हैं जॉब के रिगार्डिंग, मेरी कोशिश होती है कि उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं एप्लीकेशन का लिंक भी देता हूँ, नोटिफिकेशन का लिंक भी देता हूँ और अपना कॉन्टैक्ट भी डालता हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है उसमें तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी वो उन इशुओं को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जैसे भी आज कोई अपडेट्स आएगी जॉब के रिगार्डिंग मैं आपके पास शेयर करूँगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो भाई जी, एक जानकारी और है, जो भी टीममेट की भर्ती का इंतज़ार कर रहा है उसकी इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। तो बहुत जल्दी फिर से 1300 पदों पे टीममेट की भर्ती होगी। आई होप इस बार जो भाई बहन रह चुके हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके सब की सिलेक्शन होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।